नमस्कार, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्स एंड चैलेंजेस ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी सार्वजनिक संगठन के तत्व एवं चुनौतियाँ। यह आपके यूजी के जो कोर्स कोड है UGPA 101 और उसके अंतर्गत ब्लॉक 2 है यूनिट 7। इससे पहले जो ब्लॉक 1 के अंतर्गत 6 यूनिट्स हैं आपकी, उसके लेक्चर ऑलरेडी वीडियो अपलोड हैं। आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से उन्हें देख सकते हैं। और यदि आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो भी ये लेक्चर आपके लिए समान रूप से उपयोगी है, आप इससे लाभ ले सकते हैं। तो सार्वजनिक संगठन, सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, थोड़ी देर के लिए हम पब्लिक शब्द को हटा देते हैं, क्योंकि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जो इसकी कार्यशैली है दोनों ही संगठन में वो लगभग एक जैसी है। जब हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन पढ़ते हैं, यदि आपने पढ़ा होगा यूनिट फर्स्ट में, तो आपने उसमें पाया होगा कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। प्रशासन में अंतर मात्रा का होता है, प्रकार का नहीं होता है। यानी जो टेक्निक्स होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, कार्य करने का जो तरीका होता है वो लगभग सेम होता है। तो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लगभग एक ही कार्यप्रणाली होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन होता क्या है, उसके बाद हम इसके चैलेंजेस, इसके एलिमेंट्स, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। संगठन से हम अपने जन्म के बाद से ही हमारा सबसे सर्वप्रथम परिचय होता है वो परिवार नामक संगठन से होता है। और आज के समय में अगर देखा जाए तो जो हॉस्पिटल है, बच्चों का जन्म हॉस्पिटल में होता है, तो हॉस्पिटल पहला संगठन है जहाँ शुरुआत हो जाती है। जन्म के बाद से ही संगठन से परिचय होता है। उसके बाद जो परिवार है, एक सहज और सरल संगठन है। इसके अतिरिक्त अगर कोई कठिन, जैसे कि गृह मंत्रालय है और वित्त मंत्रालय है, ये भी एक संगठन है, जो एक इसकी प्रणाली कठिन होती है, इसके अंतर्गत जो कार्य हैं वो अलग होते हैं। तो हम उदाहरण लेते हैं एक सरल और साधारण संगठन का, जो कि फैमिली है यानी कि परिवार, और देखते हैं संगठन होता क्या है, इसको हम विस्तार से समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज द फ्रेमवर्क, इट फैसिलिटेट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मेन मटेरियल एंड मनी फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। जब हम संगठन की बात करते हैं तो सबसे पहले 3M यानी मनी, मटेरियल एंड मेन, इनकी बात करते हैं। इनको मिलाकर के कोई संगठन बनता है, संगठन का निर्माण होता है। संगठन के लिए क्या आवश्यक है कि वहाँ पे लोग हों काम करने वाले, यानी व्यक्तियों, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह संगठन के अंतर्गत आएगा। और मटेरियल यानी संसाधन, हमारे पास रिसोर्सेज हों जिनके माध्यम से हम अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। और उसके अतिरिक्त वित्त यानी मनी, फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस एक की रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। धन का, धन के अभाव में हम कोई भी कार्य को संपन्न नहीं कर पाते हैं। तो ये 3 आवश्यक चीज़ें हैं, अनिवार्य तत्व हैं संगठन के। और इसके अतिरिक्त तो कहीं कहीं हम देखते हैं कि संगठन की परिभाषा में मिलती है, संगठन में 2 अनिवार्य तत्व हैं। एक तो कार्य, कोई भी कार्य का होना ज़रूरी है, और दूसरा उस कार्य को करने वाले लोग। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप तर्कसंगत बात करें, तर्क दें, तो किसी समाजशास्त्री से इसकी परिभाषा पूछे, क्या ये परिभाषा उचित है कि कार्य का होना और कार्य करने वाले लोगों का होना, यानी 2 चीज़ें मिलकर के क्या संगठन बनाती हैं, तो समाजशास्त्री इससे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि वो किसी भी भीड़ को संगठन नहीं मानते हैं। उदाहरण से आप समझिए, किसी भी प्रकार का कार्य, सपोज दैट हम एक टेबल है, उसको 2 लोग मिलकर के, क्योंकि संगठन में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह को मिलकर संगठन बनता है, तो 2 व्यक्ति मिलकर के अपोजिट डायरेक्शन में उसको खींचते हैं, तो क्या ये कार्य तर्कसंगत है? क्या इससे उद्देश्य की प्राप्ति होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो इस प्रकार हम लोगों की भीड़ को यानी व्यक्तियों के समूह को और कार्य को मिलाकर के संगठन नहीं मान सकते हैं। संगठन की एक सर्वमान्य परिभाषा होनी चाहिए, अभी हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। दूसरा है, द टर्म ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू मैकेनिज्म विच इनेबल्स मेन टू लिव टुगेदर। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग, अरेंजिंग, ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटीज
टू बी परफॉर्म्ड फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट, द टर्म ऑर्गेनाइजेशन इज व्यूड डिफरेंटली बाई डिफरेंट ऑथर्स डिपेंडिंग अपॉन द इम्फेसिस द अथर वुड लाइक टू ले अपॉन. अभी हम आगे कुछ डेफिनेशंस देखेंगे कि किसने संगठन के बारे में क्या कहा है. लेकिन सामान्य शब्दों में संगठन किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जो अभी हमने मेन मटेरियल और मनी की बात की, इनको मिला करके जो एक्टिविटीज़ होती हैं किसी संस्था में, किसी संगठन में, उद्देश्य की प्राप्ति के तर्कसंगत जो गतिविधियाँ होती हैं और उन्हीं प्रयासों को हम संगठन मान सकते हैं. आगे देखते हैं कुछ डेफिनेशंस इसमें हैं. फर्स्ट है मॉस्टिन मार्क्स, इनका मानना है ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर डेवलप्ड फॉर कैरिंग आउट द टास्क इंट्रस्टेड टू द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड हिज एडमिनिस्ट्रेटिव सबॉर्डिनेट्स इन द गवर्नमेंट. इसी प्रकार मून एंड रेले की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, अक्सर एग्जाम में पूछी भी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पस. नेक्स्ट, चेस्टर बर्नार्ड क्या कहते हैं, उनका मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ फोर्सेज ऑफ टू और मोर पर्सन्स. ऑलमोस्ट वही चीज़ें कहते हैं कि जो कॉमन गोल, जो निश्चित उद्देश्य होता है जिसको हम कॉमन गोल भी कहते हैं, उसकी पूर्ति के लिए जो समूह में लोग प्रयास करते हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं, और उन्हीं गतिविधियों को हम संगठन कहते हैं. कुछ इसी प्रकार आपको प्रशासन की भी परिभाषा मिल जाएगी, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत संगठन आता है. प्रशासन एक व्यापक शब्द है, उसके ही अंदर संगठन आता है और प्रबंधन आता है. जैसे मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं, तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है. कुछ लोग मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब सेम समझ लेते हैं, सिमिलर वर्ड्स मान लेते हैं, सिमिलर नहीं है. प्रशासन अधिक व्यापक शब्द है, एडमिनिस्ट्रेशन उसी के अंतर्गत, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें आती हैं. तो संगठन 3M आप याद रखेंगे, मनी, मेन एंड मटेरियल, इन तीन चीज़ों को मिला करके बनता है, और वो तर्कसंगत कार्य उसमें होता है ताकि उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके. नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस. अब यहाँ बार बार पब्लिक टर्म इसलिए आ रहा है कि हमारे सिलेबस में पब्लिक यानी सार्वजनिक संगठन की बात की गई है, तो आप उससे बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है. अब यहाँ पर देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क, जब आप डिवीजन ऑफ वर्क सुनते होंगे तो आपको लूथर गुलिक ने जो डिवीजन ऑफ वर्क की बात की है, स्पेशलाइजेशन की बात की है, उनका नाम याद आता होगा यदि आपने थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. डिवीजन ऑफ वर्क इज नेसेसरी टू क्रिएट एंड रन एन ऑर्गेनाइजेशन. लूथर गुलिक हैज गिवन फोर बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क विथ सम स्कॉलर्स ऑल्सो कंसिडर एज फोर मेन एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लूथर गुलिक जो कि प्रशासनिक विचारक हैं, उन्होंने संगठन के आधार बताए हैं जो कि कार्य विभाजन के भी आधार, जिनको हम मानते हैं, उन्हीं को संगठन के तत्व भी माना जाता है. यानी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो लूथर गुलिक ने कार्य का विभाजन बताया है, डिवीजन ऑफ वर्क, उसके जो बेसिस बताए हैं, आधार बताए हैं, और उन्हीं आधारों को हम संगठन के तत्व मानते हैं. तो कौन कौन से बताए हैं आधार, ये जो चार सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, पहला है पर्पस, नेक्स्ट प्रोसेस, एंड थर्ड वन इज पर्सन, एंड फोर्थ इज प्लेस. इसको हम 4P थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, लूथर गुलिक ने जो 4P थ्योरी दिया है. इसके अतिरिक्त कुछ अदर एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैं जिन्होंने संगठन के अलग अलग तत्व बताए हैं, अलग अलग आधार बताए हैं, उन पर हम चर्चा यहाँ नहीं करेंगे. लूथर गुलिक ने जो बताए हैं इसको ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है और ज़्यादा लोगों ने इसको स्वीकार किया है. तो पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस, इस आधार पर डिवीजन ऑफ वर्क यानी जो कार्य का विभाजन है या फिर संगठन के आधार है, उसकी लूथर गुलिक बात करते हैं. तो पहला है पर्पस, यानी किसी भी संगठन का जो निर्माण है उसका आधार है वो पर्पस. तो पर्पस कैसे हो सकता है, उद्देश्य के आधार पर कार्य विभाजन या फिर संगठन. तो जो उद्देश्य आधारित संगठन होते हैं, यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं एजुकेशन, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन या फिर हेल्थ. जैसे कि हमारा जो हेल्थ मिनिस्ट्री है,
स्वास्थ्य संबंधित जो मंत्रालय है, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पर्पस बेस, उसका बेस हो गया पर्पस, उद्देश्य से। इस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या एजुकेशन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल्स हैं, तो उनका मेन उद्देश्य क्या है, उनका जो मेन उद्देश्य है वो है शिक्षा देना, एजुकेशन। तो ये इस प्रकार के जो संगठन है, इस प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो पर्पस बेस हो जाती हैं। इसी प्रकार प्रोसेसेस, प्रोसेस जो प्रक्रिया के आधार पर संगठन का निर्माण होता है, जो संगठन कार्य करते हैं प्रक्रिया आधारित, इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस प्रकार के जो स्पेशलाइजेशन दिखाते हैं, विशेषीकरण को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है पर्सन, यानी व्यक्ति आधारित, उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति, और लास्ट है प्लेस यानी क्षेत्र। तो व्यक्ति आधारित कैसे, जिन संस्थाओं में, अब संस्था को भी आप इसी सेंस में लीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन के ही सेंस में, संस्था को भी संगठन माना जाता है। अब ये यूनिवर्सिटी क्या एक संस्था है और एक संगठन भी है, तो जिस संगठन में पर्सन बेस यानी बेस माना गया है व्यक्ति को, जैसे कि महिला या बाल विकास, सिर्फ महिलाओं को सशक्त करने की बात की जा रही, महिला के कल्याण की जो काम करते हैं संगठन, तो वो व्यक्ति के आधार पर माने गए हैं। इस प्रकार से जो बच्चों के लिए या फिर जो दिव्यांगजनों के लिए कुछ चलाते हैं कार्यक्रम, तो इस प्रकार के संगठन जो रूथर गुलिक ने बताया है, थर्ड वाला पर्सन, बेस्ड ऑन पर्सन, व्यक्ति विशेष के लिए जो चलाए जा रहे संगठन हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे, उनका आधार व्यक्ति होगा, क्लाइंट भी हम मान सकते हैं इसको। एंड लास्ट वन इज प्लेस, प्लेस यानी जगह के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कोई मान लीजिए रेलवे मंत्रालय या रेलवे विभाग है, तो उसके जितने भी जोनल ऑफिस हैं, जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे क्षेत्र के आधार पर। जैसे वो जोन में डिवाइड है, तो कौन से जोन के अंतर्गत कौन सा कार्य किया जा रहा है, तो उस संगठन को हम लास्ट वाला जो है प्लेस, इसको आधार हम मानेंगे। इसमें एक कुछ और उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे विलेज पंचायत है, ग्राम पंचायत है, या फिर जो तहसील होती है, ज़िला होता है हमारा, वो कुछ इसके उदाहरण हो सकते हैं, नगर पालिका है, नगर निगम है, ये पर्टिकुलर उस एरिया बेस होता है, यानी उस क्षेत्र पर आधारित इस प्रकार के संगठन होते हैं। तो ये हमने देखा एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, इसमें लूथर गुलिक की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात की। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस हर जगह रहती हैं, हर संगठन में आपको कुछ न कुछ चुनौतियां विद्यमान दिखाई देंगी। हियर आर एग्जांपल्स ऑफ चैलेंजेस कॉमनली फेस्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हमने दो तीन बहुत ही प्रोमिनेंट चैलेंजेस बताने का प्रयास किया है। तो क्या है, फर्स्ट है डिस्कनेक्ट बिटवीन कलीग्स, जो सहकर्मी होते हैं उनमें आपस में अनबन हो जाती है, संस्था के अंदर की बात हम कर रहे हैं, जो चैलेंजेस होती हैं उसके संगठन के अंदर, जो कार्य प्रभावित हो जाए, जिस उद्देश्य के लिए संगठन बनाया गया है, जो उनके कॉमन गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में प्रॉब्लम आती है, क्यों आती है, तो कुछ चैलेंजेस हैं उनकी वजह से वो गोल अचीव नहीं हो पाता है और उसमें टाइम लगता है। तो डिस्कनेक्ट बिटवीन कलीग्स, कलीग हु फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम वन एनदर मे फाइंड इट चैलेंजिंग टू वर्क टुगेदर एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली। जाहिर सी बात है, जब जो सहकर्मी हैं, जिन जो कोई व्यक्ति कार्य करता है, उसके जो साथी हैं, अगर उनसे बात नहीं हो पा रही, कम्युनिकेशन सही से प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, किसी बात को लेकर के डिस्कनेक्ट यानी अनबन हो जा रही है, तो एक साथ कार्य करने में उनको असुविधा होती है। जब कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा तो वो एक साथ रह करके एक ही संस्था में, एक ही विभाग में सुचारू रूप से अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से जो उस संगठन का जो लक्ष्य होगा वो प्रभावित होगा, उसको प्राप्ति में समस्या आएगी। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी कैन स्टेम फ्रॉम लिमिटेड मोटिवेशन अमंग एम्प्लॉयज, प्रोफेशनल्स फील अनविलिंग टू फुलफिल देयर ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज विच कैन डिले ऑपरेशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेक गोल्स हार्डर टू अचीव। प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड देयर एक्सपेक्टेशन एंड वर्क हार्ड टू मीट देम। लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता में कमी आएगी, जो भी उत्पादकता मीन्स जो भी कार्य वहाँ हो रहा होगा उसमें कमी आएगी, वो कार्य उतनी तेजी से नहीं हो पाएगा। इसका रीज़न क्या है, अब यहाँ पर आप इससे समझिए, अगर आपने मैकग्रेगर को पढ़ा है, डगलस मैकग्रेगर, तो उनकी जो एक्स वाई थ्योरी है, दो तरीके के लोग
संगठन में होते हैं कार्य करने वाले, एक तरह से जो एक्स टाइप के लोग होते हैं और जो वाई, दो दो थ्योरी दी हैं आपको अगर आपने पढ़ा होगा याद होगा कि कुछ लोग होते हैं संगठन में वो काम करना नहीं पसंद करते, आलसी, उनका एक तरीके का मतलब आलसी टाइप के लोग होते हैं और वो आदेश स्वीकार करना पसंद करते हैं। जब उन्हें आदेशित किया जाता है कि आपको ये कार्य करना है तो जब आदेशित और निर्देशित करने के बाद ही वो अपना काम करते हैं और स्वेच्छा से वो कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, स्वप्रेरित, उन्हें किसी के आदेश की प्रतीक्षा नहीं होती कि हमें जब आदेश मिलेगा, जब निर्देशित किया जाएगा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा तभी हम अपना काम करेंगे। अगर उन्हें अपने कार्यों के बारे में पता है कि हमें, हमारी जिम्मेदारी इन कार्यों को करने की है, तो स्वतः ही उन्हें प्रेरणा, वो अपना पहल करेंगे, उस कार्य को करने में पहल करेंगे और शुरुआत कर देंगे। आदेश उन्हें बाद में मिलता रहेगा, उसकी वो प्रतीक्षा नहीं करते हैं। तो अंतर होता है एक्स वाई थ्योरी को, आप इसे यहाँ पर अपना तुलना कर सकते हैं, एक्स वाई थ्योरी का उदाहरण ले सकते हैं। और एक जो एक्स थ्योरी है मैकग्रेगर की, उसमें कहा गया उसको कैरेट एंड स्टिक, यानी वो भय से, डर से, दबाव से काम करते हैं ऐसे लोग। तो यहाँ पर क्या होता है, दो प्रकार के लोग होते हैं और दोनों में सामंजस्य नहीं बन पाता है, क्योंकि जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है उनकी अपेक्षा जो लोग काम करना चाहते हैं, जो इनिशिएटिव लेते हैं, जो पहल करते हैं, उनसे उनको ईर्ष्या होती है और वो उनको भी काम करने नहीं देते हैं, वो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी बाधा उत्पन्न करते हैं ताकि उनका भी कार्य प्रभावित हो, ताकि उनको न सुनना पड़े कि दूसरा कर रहा है और आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसकी या तो कोई न कोई बात पाएंगे, अधिकारी को बताएंगे, सूचित करेंगे, इस प्रकार की अनबन होने लगती है। तो लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी इसका रिजल्ट होता है, संगठन में कार्य प्रभावित होता है और लक्ष्यों को प्राप्त करने में समस्या आती है। नेक्स्ट है लिमिटेड इनोवेशन, इट कैन इम्पैक्ट एम्प्लॉय मोटिवेशन। प्रोफेशनल्स हु आर एंड पैशनेट अबाउट देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मे नॉट फील एम्पावर्ड टू फुलफिल देम। An organization's approach may require change as time progresses. अब यहाँ पर क्या होता है कि लिमिटेड इनोवेशन, नवाचार, सीमित नवाचार इसको हम बोल सकते हैं, कोई भी नई चीज़ें नहीं होती हैं, कोई भी नए विचार अगर अधिकारी के समक्ष कोई लेकर के प्रस्तुत करता भी है तो उनको लागू करने की इजाज़त नहीं देता है। जैसे कुछ न्यू आइडिया, नए लोग आते हैं किसी संगठन में तो उनके वो अपने न्यू आइडियाज़ बताते हैं कि सर इस कार्य को ऐसे कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसे किया जा सकता है, तो उनको जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता ऑर्गेनाइजेशन में, जिस वजह से कार्य प्रभावित होता है और वो निराश होते हैं। इट कैन इम्पैक्ट एम्प्लॉई मोटिवेशन, उसका मोटिवेशन कम हो जाता है कि मैं इतना अच्छा आइडिया लेकर गया था और इसको हमारे अधिकारी ने नहीं माना है, वो इंटरेस्ट लेना कम कर देता है। प्रोफेशनल्स हु आर इंट पैशनेट अबाउट देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं हर संस्था में, हर संगठन में होते हैं, जो अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के पैशनेट नहीं होते हैं, उतने उत्साहित नहीं होते हैं, और इसका फर्क पड़ता है कि प्रोडक्टिविटी उसकी कम हो जाती है संगठन की। एन ऑर्गेनाइजेशन्स अप्रोच में रिक्वायर चेंज एज टाइम प्रोग्रेस, जाहिर सी बात है कि जब भी संगठन में कोई बदलाव करने की बात आती है, कोई पॉलिसी चेंज होती है, कुछ नयापन आता है, तो जो लोग अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ढंग से, जो अपना दिया हुआ कार्य ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो न्यू चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में सबसे पीछे होते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। समय के साथ बदलाव आवश्यक है, तो ऐसे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसका फर्क संगठन के कार्यों पर पड़ता है। अभी कुछ प्रॉब्लम थी जो हमने डिस्कस की, अब है कि इनका सोल्यूशन क्या है, कैसे चैलेंजेस को दूर किया जाए, खत्म किया जाए और कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। How to solve organizational challenges? First, define and promote organizational goals. जो वरिष्ठ अधिकारी है, जो मैनेजर है उस संगठन का या सुपरवाइजर है, यानी जिसको सभी अधीनस्थ रिपोर्ट करते हैं, जो भी उसका वहाँ पर पदनाम हो से मतलब नहीं है, और जो लीड कर रहा है, तो उसको, उसके लिए कुछ बातें यहाँ लिखी, उसके लिए क्या आवश्यक है। डिफाइन एंड प्रमोट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, उसको जो संगठन के लक्ष्य हैं, जिसकी वजह से संगठन का निर्माण किया गया है, उन्हें स्पष्ट रूप से अपने अधीनस्थों को परिभाषित करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए आपको ये कार्य करना है, हमारे संगठन के ये लक्ष्य हैं, इनकी प्राप्ति करना है, स्पष्ट रूप से उन्हें बताना चाहिए। नेक्स्ट, डिलीवर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अगर कोई
अधीनस्थ कर्मचारी है या कोई अधिकारी है और वरिष्ठ अधिकारी को पता चल रहा है कि उसने कुछ उससे गलती हो जाती है, तो आलोचना तो उसको करना है उसके कार्यों की, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, यानी रचनात्मक आलोचना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डांट फटकार से आप काम निकाल सकते हैं। उनको आलोचना करें लेकिन मीठे शब्दों में करें और उनको समझाने कि कैसे इस गलती को सुधारा जा सकता है। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। होस्ट अ वन ऑन वन मीटिंग विद एवरी एम्प्लॉयज, हर एक कर्मचारी के साथ संगठन में जो वरिष्ठ अधिकारी है, जो लीडर है, जो लीड कर रहा है लोगों को, जो टीम में काम करवा रहा है, उसको एक तो वो मीटिंग रखता है, सबको एक साथ बुलाता है, उसमें अपने जो भी काम करने हैं कैसे करने हैं उसकी समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त तो वो वन ऑन वन मीटिंग करे, यानी एक एक एम्प्लॉई से वो पर्सनली उसको सुने, उसको समझे कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है कि ग्रुप में जब वो टीम की पूरे टीम की मीटिंग ले रहा हो लीडर, तो उस समय कोई एम्प्लॉई अपनी बात कहने में संकोच कर रहा हो, तो उसकी बात सुनने के लिए वन ऑन वन एक एक एम्प्लॉई के साथ, ऐसा नहीं एक ही दिन में सबके साथ मीटिंग करना है, अलग अलग समय निर्धारित करके और सबकी बातों को सुना जाए तो बेहतर परिणाम हो सकते हैं। सेलिब्रेट ऑर्गेनाइजेशनल माइलस्टोन्स, डेवलप अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, वेलकम न्यू आइडियाज। सेलिब्रेट ऑर्गेनाइजेशनल माइलस्टोन, सेलिब्रेट ऑर्गेनाइजेशनल माइलस्टोन्स। अगर संस्था ने कोई अचीवमेंट संगठन ने प्राप्त कर लिया, कोई उपलब्धि हासिल की है, तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए अधिकारी को, क्योंकि उस उपलब्धि को हासिल करने में कहीं ना कहीं पूरी टीम का सहयोग रहा है, उसके सभी कर्मचारियों का सहयोग रहा है। तो ऐसा नहीं कि जब अच्छा किया तो लोगों को अप्रिशिएट ना किया जाए, सभी को अप्रिशिएट करना चाहिए वन बाई वन बुला करके, और उसको संस्था संगठन को मिल करके सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमने ये अचीवमेंट प्राप्त किया है, ये उपलब्धि प्राप्त की है, तो इसका सेलिब्रेशन करना है। नेक्स्ट है डेवलप अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि डिसीजन मेकिंग में सिर्फ संगठन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो सुपरवाइजर हैं या मैनेजर है, वही मिलकर के कोई डिसीजन ले लें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, सोचते हैं कि उनके पास कोई ऐसा आइडिया नहीं होगा, वो क्या बता पाएंगे, डिसीजन ले लेते हैं और आदेशों का पालन करना उनका कार्य। ऐसा नहीं, यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें सभी लोगों को शामिल करना चाहिए, सभी की राय लेनी चाहिए, तब कोई डिसीजन लेना चाहिए। इससे कर्मचारियों को काम करने में अच्छा लगता है, उनकी बात अगर मानी जाती है तो वो और उत्साहित होकर के कार्य करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट, वेलकम न्यू आइडियाज। लास्ट, अभी कुछ देर पहले ही हमने डिस्कस किया है कि जो न्यू आइडियाज आते हैं, लोग जो नए लोग संगठन में आते हैं वो एकदम जोश से भरपूर रहते हैं, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे बेहतर आइडियाज हो सकते हैं जिससे संगठन को लाभ हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ संगठन में आपने प्राय तौर पे ऐसा देखा होगा, यदि आपने कहीं काम किया होगा, भविष्य में करेंगे, कि जो अधिकारी है उसका ईगो आड़े आ जाता है कि मुझसे ज़्यादा जानता है क्या, मेरा अधीनस्थ है, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इसके पास नहीं है। लेकिन हमेशा एक्सपीरियंस ही काम नहीं करता है, हो सकता है उसके पास एक अच्छा आइडिया हो और उससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो सके, संगठन को लाभ हो सके। तो जो न्यू आइडियाज़ हैं उनका वेलकम, उनका स्वागत किया जाना चाहिए, और इससे भी लोगों को प्रेरणा मिलती है, उनका उनको वो मोटिवेट होते हैं और कार्य करने में वो उत्साहित रहते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं बताए गए हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी संगठन में, चाहे वो पब्लिक सार्वजनिक संगठन हो, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यानी निजी संगठन हो, समस्याएं यानी चुनौतियां हर संगठन में आती हैं, हर तरीके के लोग होते हैं संगठन में, हर संगठन में आपको किसी तरीके की पॉलिटिक्स मिलेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं काम ना करके ये दूसरा करा तो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, और प्रायः ऐसा भी देखा गया है कि जो किसी विभाग का जो क्लर्क होता है वो कुछ अधिकारियों का, कुछ अपने चहेते अधिकारी उसके होते हैं जिनसे उनकी अच्छी बॉन्डिंग होती है, तो वो दूसरे लोगों की बातें, सूचनाएं अपने चहेते अधिकारियों को देता रहता है, सूचित करता रहता है कि वो ऐसा हो रहा है और आपके बारे में ऐसा बोला जा रहा है, और किसी और संदर्भों में उसको सूचनाओं को पहुँचाता है। तो इसमें क्या होता है, जो अधिकारी होता है, जाहिर सी बात है, वो कम्युनिकेशन गैप हो जाती है अधिकारी और जो दूसरे कर्मचारी हैं उनके बीच में, क्योंकि बोलना बंद कर देता है। जहाँ कम्युनिकेशन गैप हुआ
तो शायद बात इतनी बड़ी ना रही हो, लेकिन बात और उलझती जाती है। इसका भी फर्क ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता है। तो कम्युनिकेशन गैप, और कम्युनिकेशन गैप सिर्फ वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से ही नहीं होता है, अधीनस्थ कर्मचारियों अधिकारियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो सीनियर हैं उनसे कम्युनिकेशन गैप ना होने पर आप संवाद अपना स्थापित रखें, कायम रखें, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर कुछ कहना है डायरेक्ट कहने से उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर आपकी कही गई बात दूसरे के माध्यम से पहुंचती है तो वो अलग संदर्भ में वो बात कही जाती है, उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और जो क्लर्क, जैसे मैंने भी उदाहरण दिया कि क्लर्क ऐसा करते हैं, उनके कुछ जाहिर सी बात है उनके विचार जिस अधिकारी से मिलते होंगे तो वो उनके चहेते हो जाएंगे, उनके ज़्यादा करीब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा करते समय वो कर्मचारी, वो क्लर्क ये भूल जाता है कि वो पूरे विभाग का क्लर्क है, वो पूरे विभाग का बाबू है। और आपने कुछ ब्यूरोक्रेसी के संदर्भ में आपने कुछ बुक्स में पढ़ा भी होगा, ब्यूरोक्रेसी के बारे में पता नहीं चलता है कब वो बाबूक्रेसी हो जाती है और वहाँ पे उन बाबुओं की चलने लगती है। तो ये भी बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से संगठन में जो चुनौतियाँ उत्पन्न होती, कर्मचारियों के बीच में जो डिस्कनेक्ट होता, जो अनबन होने लगती है, सहकर्मियों से लोग बात नहीं करते हैं, तो सब एक जैसे तो होते नहीं, सब अलग अलग होते, सबका मानव स्वभाव हमारा होता है, एक दूसरे से ईर्ष्या होने लगती है। जैसे कोई बेहतर काम करता है तो दूसरा स्वाभाविक, ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक ईर्ष्या होने लगती है, इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो कर्मचारियों के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी चैलेंजेस ना हो पाए और उनको कैसे सॉल्व किया जा सके। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो यूनिट 8 है, अपने अगले टॉपिक में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके अपना प्रश्न लिख सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। और एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने जाना कि संगठन क्या होता है और संगठन के जो तत्व होते हैं यानी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या आधार होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें चैलेंजेस क्या होती हैं, साथ ही हमने ये भी जाना कि इन चैलेंजेस को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है। समाप्त तो कभी नहीं हो सकती हैं, लेकिन कैसे उनको हम कम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।